रक्षाबंधन में बहन अपने भाई की हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं, रेशम का धागा बांधती हैं और उनसे कामना करती हैं कि उनकी ज़िंदगी भर उनकी सुरक्षा करें। और उस वक्त वो रेशम का धागा बांधकर भाई से प्रतिज्ञा लेती हैं। आज हम रेशम की धागा की तो बात करेंगे, लेकिन आज रेशम की धागा नहीं होगा, कपास की धागा होगा और वो रक्षा सूत्र होगा जो भाई के हाथ में बहन बांधेंगी। और इसे तैयार किया है हमारे पूर्णिया के सुप्रसिद्ध चित्रकार गुल्लूदा ने, और तमाम जानकारी आप देंगे और प्रचलित भी है गुल्लूदा के नाम से। तो सबसे पहले हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और क्या सूझी कि कपास के धागों से आप रक्षा धागा तैयार करें? देखिए, सबसे पहली बात इस जगह पे है कि प्लास्टिक बंद हो चुका है, तो सारे बाहर से जो भी राखियाँ आता है जो हमारे भारत में, वो विदेशी का बनाया हुआ होता है और वो सारा सिंथेटिक प्लास्टिक वगैरह से बना हुआ रहता है। तो हमने बहुत सोच कर एक अपना पूर्णिया का जो खेती होता है जूट, वो जूट से निकलता हुआ संटी, ये दोनों चीज़ से हमने पूर्णिया शिल्प का एक निर्माण किया है, जो अभी राष्ट्रपति तक ये मेरा प्रमाण चला गया, उनका तस्वीर जो पूर्णिया शिल्प से है वो जूट और संटी से ही बना हुआ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ का खेती है। तो मैंने बहुत सोच समझ के बाद हमारे विद्यार्थियों को साथ में लेकर मैंने राखी का लगभग 20 तरह का राखी हमने बनाया है, जो यहाँ के लोग कारीगर भी बने और खुद का बनाए और हम लोगों का राखी देश विदेश तक जाए, ये उम्मीद लेकर ही हम लोग काम सर चलो। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक आपकी इस राखी को देखें और किस तरह आप बारीकियों से इस राखी को बनाया है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या क्या इसमें डाला है, किस तरह बनाया है। ये जो आप राखी देख रही हैं, ये जो है जूट का बना हुआ है कंप्लीट, और ये जो आप राखी देख रहे हैं जिसको जूट केन संठी हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं, संठी, जो संठी आज तक आप लोगों ने चूल्हा में देते हुए देखा होगा, घर का टाटी बनाते हुए देखा होगा और दीपावली में हुक्का बत्ती के काम में ही देखा होगा, बाकी लोग चूल्हा में ही डाल देते हैं। तो मैंने उस चीज़ों से एक नए तरह का पूर्णिया शिल्प तैयार किया, जो आज लगभग बाहर में ये चीज़ भी जाने लगा है। जैसे आज ही मैं एक पेंटिंग तैयार किया जो कैलिफोर्निया जाएगा, तो ये जूट और संठी का कमाल है। देखिए, बहुत बारीकी से आप देख सकते हैं किस ढंग से बना हुआ है, हमारे विद्यार्थी लोग ही इसको बनाए हैं काफ़ी मेहनत से। अच्छा, और भी देखते हैं बहुत सारे, ये वो हो गया डिजाइन में बना हुआ, ये क्या? देखिए, हम लोगों का खेती का धान, उसका पुआर, वो भी मैं दो चीज़ को इस्तेमाल किया, ये सिर्फ धान से बना हुआ, ये जूट का चोटी है जो बांधने का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, वो धान से हमने बनाया और बहुत अच्छा से हमारे विद्यार्थी लोग, हमारे कारीगर लोग ये सब बनाया है, ये देखिए। उसके बाद देखिए डिज़ाइन का, बहुत सारा डिज़ाइन है। देखिए, हमारे पूर्णिया में आर्टिशियन है, 100 महिलाएं हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया है, देख रहे हैं। और भी देखिए, ऐसे लगभग 20 आइटम का राखी हमने बनाया है। और अभी जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, उनका तस्वीर हमने बनाया है जो दिल्ली तक पहुंच चुका है, और वो भी तस्वीर, वो भी फोटो आप लोगों को दिखाऊंगा, वो काफ़ी चर्चित तस्वीर रहा जी। ये बताएं कि ये जो आप तैयार करते हैं ये राखी, इसको बनाने में कितना समय लगता है? ये कारीगर जब पहला शुरू करता है तो उसे दिन भर में 5 बनता है, लगभग 15-20 वो ट्रेनिंग अगर ले लेता है तो एक कारीगर 30-40 राखी अपने हाथों में दिन भर में बना सकता है, सारा काम करते हुए जी। अभी जो राखी मार्केट में बिक रही है उसका रेट और आपके जो राखी बनाया गया कपास का, उसके रेट में कितना फ़र्क है? देखिए, ऐसा सवाल है, ये नेचुरल फाइबर का राखी है, ये अदर चीज़ों से थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, और ये सब समझ नहीं सकते हैं, ये बड़ा कलाकृति का बात है, जो इस चीज़ को कला को समझते हैं वो ही इस राखी को लेंगे, ऐसे अदर जनरल आदमी के लिए नहीं है, वो कहेंगे 2 में मिलता है, 5 में मिलता है, हम लोग का ये कॉस्टली है,
हमारे पूर्णिया के महिला बच्चे ये सब बनाई हैं, घर का सारा काम काज करते हुए वो इसमें जुड़ के बहुत सारा लगभग 10,000 राखी बना तो बिक रहा है हम लोगों का, और बाहर से भी ऑर्डर आ रहा है। लोग हमारे दर्शकों को बताएं कहाँ वो ले सकते हैं। अभी वर्तमान हमारा जूट एंड फाइबर क्लस्टर में मिल रहा है, और हॉलीडे इंटरनेशनल में भी उसका एक काउंटर लगा हुआ है, और 2 दिन के अंदर लगभग अच्छे अच्छे होटल में जो है इसका काउंटर लगेगा। अच्छा, कैसा लग रहा है ये जो कपास के जो आप वस्तुएं बनाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं, किस तरह का यहाँ पर पूर्णिया में दिख रहा है माहौल, आगे क्या फ्यूचर है? देखिए, कोई भी नया चीज़ अगर तैयार किया जाता है उसको मार्केटिंग करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, तो काफ़ी संघर्ष वाला बात है ये। हमने और बहुत सारा चीज़ बनाया, इसका बनाया हुआ कलम बनाया, बहुत सारे क्राफ्ट वर्क बनाया, जो हम जनवरी में अभी इंटरनेशनल फेयर लगता है दिल्ली में, उसमें भी मैं अप्लाई कर दिया है, मेरा वहाँ से भी ऑर्डर आ गया है। मैं इंटरनेशनल फेयर में जा रहा हूँ दिल्ली, जो प्रगति मैदान में लगती है, वो सारा पूर्णिया शिल्प लेकर ही मैं पहुँचूँगा। उस समय भी आप देखेंगे, और ऐसे लगातार हमारा घर में आइए, मेरा गुलूस गैलरी में आइए, आपको हर तरह का काम आपको हम दिखाएंगे। और मेरा मकसद यही है कि हमारे पूर्णिया के महिलाओं को कुछ रोज़गार मिले, मेन मकसद मेरा वही है, जो हमारे महिला खुशहाल रहे, सबके घर में 2 पैसा जाए, यही मेरा शुभकामना है। तो ये गुल्लू दाते जो तमाम जानकारी आपको दे रहे थे कि किस तरह कपास से राखी तैयार कर यहाँ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, और भी इनके कई प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले दिनों में दिखेंगे, रोज़गार बढ़ेगा जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर होकर कंधों से कंधा मिलाकर पुरुषों के खड़ी रहेंगे। फिलहाल आप यूं ही बने रहिएगा, आगे हम आपको हर खबरें पूर्णिया की दिखाते रहेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप कोशियालुक, न्यूज़ पूर्णिया।